रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई नहीं हरा सकता आपको। एक हो या दो, जीत सिर्फ मेरी होगी। अब समझ में आया कि तुम अपनी माँ को माँ क्यों नहीं बुलाते, बिग डैडी क्यों बुलाते? जो सबकी बाप है, मैं मॉम कैसे बुला सकता? बच्चू, मॉम सबकी बाप ही होती है। आपने जो काम कहा था वो हो गया है बिग डैडी। मेरी मसीहा, बस यही बताना चाहता था। कितना गुस्सा है आप में मॉम। क्या कर रही हो तुम? क्यों ऐसा कर रही हो तुम? मैं नहीं रह सकती ऐसे विजय, मैं नहीं रह सकती। कैसी जिंदगी है यार ये, भीख लगती है मुझे। मम्मा प्लीज मत जा। कम से कम निकी के बारे में तो सोचो। मैं सब सोच लिया है, सब सोच लिया है। मुझे नहीं रहना है बस, मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। तेरा ब्याह, आप खाना खाने नहीं आएंगे? कभी कभी लगता है कि शायद गलती मुझसे ही होगी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा रिकी मुझसे इतना दूर चले जाएगा। ये कमरा मैंने इतने प्यार से सजाया था उसके, और वही यहाँ नहीं है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरी बीवी पर नहीं करता। और जब तक तू गलत के साथ है, मेरे लिए तू भी गलत है। रिकी, तू इस घर से बाहर चले जा। तुझे अपना बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है। How much I love you, bacha. I don't want to see you cry, okay? Ricky, tu is ghar se bahar chale ja. Mom, dil se ruki to kitna achha lagta na. You know, mom, ghar pe sabko hamare baare mein bata rahi hogi abhi. Especially dad. जब तक तुम अपने डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको भी इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। Anyway, why are we talking about all of this? इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? आओ ना। My little gift है। ये sprout maker है। कोई और? Sprout salads. Thank you, but ये कहाँ से? मैंने आज ही डीमैट अकाउंट खोला है एंड मुझे आज ही 10,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। पर पैसे कहाँ से आए? वो मैंने अपनी घड़ी बेच दी। इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज हाउ वी स्टार्ट। और सुनो, दिस इज नॉट वेयर वी आर स्टॉपिंग। मैं माले एक रोटी मेकर भी लेके आऊंगा एंड अ सैलेड टॉसर। तुमने जो मेरे लिए किया ना, इट वॉज वेरी स्वीट। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर पता है क्या, हमें ना मनी थोड़ी नाइसली स्पेंड करनी होगी। हाँ, बट
मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में भी तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर यू। नहीं होगी मुझे कोई परेशानी। अच्छा सुनो, भूख लगी है, खाना खा लें। हाँ चलो चलो चलो। सुनो मेरी, मुझे इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं होती। मैं बचपन से ये चीज़ें मैनेज करती आ रही हूँ। नथिंग। वही तो पंग, तुम्हारे लिए कुछ नया कर ही नहीं पा रहा। यार तुम इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हो? हाँ ये लूजर वाली फीलिंग आती है तुम्हारे साथ। वो तो दुनिया के हर आदमी को आती है, पर तुम शायद पहले जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। हेलो मॉम। मॉम इज बैक। रिकी कैसा है? रिकी बहुत अच्छा है। चल हमारे साथ डिनर कर और सब बातें सुना मुझे। क्या क्या हुआ? नहीं बेबी मैं कुछ नहीं खा सकती, मैं यहाँ तक घुस गई हूँ। पलक ने मुझे इतना खाना खिलाया है, इतना खाना खिलाया है। देयर वाज फूड, सैलेड, सूप, फिर ग्रीन टी भी पीकर आ गई हूँ, बट अभी भी ऐसे लग रहा है। सैलेड, ग्रीन टी खाना नहीं होता, नाश्ता भी नहीं होता। भाई मैंने तो पेट भर के खाना खाया। पलक खाना ही इतना अच्छा बनाती है। क्या बेबी? देखो पलक एक डॉक्टर है एंड शी इज लर्निंग टू बी सच अ गुड होममेकर। पता है बेबी, ऋत्विक के पास्ट को जानती है पलक, और वो उसे इतने सेंसिटिवली, इतनी जेंटली हैंडल करती है ना। हमारा बच्चा बहुत लकी है। ये सब दिखावा है जी। हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर होते हैं, पता नहीं आपको? आप सुन रहे थे? मुझे लगा आपको हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। पता है बेबी, ऋत्विक और पलक का घर देख करके ना मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। जब विजय जी और मेरी शादी हुई थी तब हमारे अच्छे दिन थोड़ी चल रहे थे, लेकिन हम फिर भी साथ थे। कहते हैं ना जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वो रिश्ते हमेशा बहुत पक्के बनते हैं। जैसे मैं और विजय जी एक दूसरे के साथ थे, पलक और ऋत्विक बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे के साथ थे। चलिए आप लोग खाना खाइए। मैं बीपी की दवा खाइए। क्यों लूं? सारे तो दुश्मन भरे पड़े मेरे घर में, किसी को क्या फर्क पड़ता है? यूं या मरूं, इतनी टेंशन हो रही है मुझे को। देखो इतनी ब्लोटिंग होगी, देखो की हालत है। किसी को क्या पड़ी है लेकिन? हां एनु ब्लोटिंग नहीं, मोटापा कहंदे ने। मोटापा? चुप। आहो देखो सवेरे सवेरे उठो ते वॉक पे जाना रिज्यूम करो, ठीक है? नेगेटिव थिंकिंग भरी पड़ी ना, उसके टॉक्सिन सारे पसीने के साथ बाहर निकल जाएंगे। मैं बाहर खा रहा। बेबे मेरे पांच नहीं छह बच्चे। पलक को टारगेट करना वाज अ क्लेवर मूव, पर एक बात की मुझे बहुत हैरानी कि नून्स की फैमिली में कोई ऐसा है जो इतने सालों से आपकी मदद कर रहा है। एक एक इवेंट की खबर है मुझे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल आपका फुल बॉडी चेकअप है, तैयार रहिएगा। कुछ नहीं होगा मुझे, अगर डाउट है तो कल रेस लगा ले। मॉम प्लीज डोंट चैलेंज। कल सुबह पार्क में। सी यू देयर। ऋत्विक क्या हुआ? तुम ठीक हो? पता नहीं नाइटमेयर्स मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। फिर से वही सपना जो कभी मेरी मेरी रियलिटी था। फिर से अपनी मॉम को देखा मैंने। मम्मा प्लीज बचाओ। मम्मा तू मेरी बात अच्छे से सुन बेटा। तू ना कभी प्यार मत करना। जब प्यार होता है ना तो एक्सपेक्टेशंस होती है, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना तो बहुत दुख होता है। तेरे पापा और मेरा रिश्ता ना हमेशा से गलत था। प्यार करके शादी तो कर ली, लेकिन सपने तो सपने ही रह गए ना बेटा। तू प्रैक्टिकली रहना। हाँ प्यार नहीं करेगा ना तो दर्द भी नहीं होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? याद रखना। मामा मेरी मैया। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास ही होंगे। लिसन, मैं तुम्हें कल वाला ट्रीटमेंट दूँ, यू विल फील बेटर। काम योरसेल्फ। अपने पास्ट के लिए अपने प्रेजेंट को मत सफर होने दो। चलो
No negative thoughts, okay? Close your eyes. Sab kuch bhul jao. Back straight. Take a deep breath. अच्छा लग रहा है? Feeling better? हाँ, but I think अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा, wait, अभी better लग रहा है। You'll calm down, सब ठीक हो जाएगा, okay? पता है, बहुत stressed हूँ मैं, nightmares and what not, you know, नीचे जो tissues है ना, उसको deep press करो, I think that's working, stress निकल रहा है। अच्छा ये कल वाले नाइटमेयर्स हैं ना जो वापस आए हैं तुम और नीचे जाओ ना यहाँ मुझे लग रहा है सारा नाइटमेयर्स का स्ट्रेस वहीं से निकल रहा है वैसे तो कल ट्रीट किया मैंने तो आज तो नहीं आने चाहिए थे बट आई थिंक तुम्हारे पे ना आई हैव अ थेरेपी वो ट्राई करती मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भी तुम्हारी अब थेरेपी होगी ना उसमें मैं श्योर बता देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी हाथों की फिंगर्स की जो एनर्जीज है ना नोट्स की वो मेरे फ्लैश तक जा नहीं रही है मसल्स तक नो वर तुम सारे कपड़े उतार दो तभी अच्छा इफेक्ट आएगा सारे कपड़े तो क्या वर्क पे आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ हस्बैंड इतना चलता है इट्स माय प्रोफेशन तुम कहती हो तो निकाल देता हूँ आई एम सो सॉरी नाइटमेयर्स अब नहीं आएंगे नाइटमेयर्स आई प्रॉमिस मैं आती हूँ आर यू रेडी पता है जब से मैंने कपड़े उतारे ना मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ कि मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं तुम्हें गर्मी नहीं लग रही तो तुम भी गाओ कल बताइए तुम्हारा फिजियोथेरेपी का सेशन करूंगी तो अरे पर तुम अभी डॉक्टर थोड़ी हो आई मीन हो पर ओहो तुम वो वाली गेम खेल रही हो ड्रेसिंग अप वाली आई लाइक तो शुरू करें सेशन हाँ करें फिजियोथेरेपी सेशन राइट रेडी बहुत रेडी पक्का रेडी तुम ना बहुत टीज करती हो यार ये क्या था ये क्या है ड्राई नीडल ड्राई नीडल ये सारी नीडल्स किस लिए तुम्हारे लिए तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं ना ये सब तो कुछ आएंगे सब तुम्हारी नाउस में जाएंगे एक एक बेबी ड्राई बेट हॉट कोल्ड तो मैं खुद ही हो गया हूँ ऐसे दर्द देने से कुछ नहीं होगा आई एम टेलिंग यू ट्रस्ट मी तुम्हारी नाइटमेयर्स चले जाएंगे
डॉक्टर हूँ ना, आई नो बेटर। अरे माय नाइटमेयर्स नो, गए गए चले गए, इसको दूर करो बच्ची यार। पलक क्या कर रही हो? भूल गए कितनी स्मार्ट बीवी मिली है तुम्हें? बिल्कुल नहीं भूला हूँ मैं, मुझे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे। अगर तुम ऐसे देखते ना तो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते। वे एक और रास्ता है मेरे पास, इससे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। कौन सी? अगर मैं तुम्हें मिलने आऊं। बेबे को तो देखो कैसे कूद फांद रही है, पैर में मोच आ गई ना तो बैठी रहेगी 6 महीने हॉस्पिटल में। हाँ तो अपनी माँ से ही कुछ सीख लो, चाहे उनके पाँव में मोच आ जाए उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती। और अपने आप को देख लो। अपने आप को क्या देखूं, पूरे घर में किसी को मेरी फिक्र है? सबको बस रिकी की चिंता है, और उसको किसकी फिक्र है? तुम्हारी। बस मेरे साथ तो झगड़ा करने को आया था वो। एक मिनट, आपने खुद को देखा है? क्या हाल बनाया आपने? आपका बीपी चढ़ रहा है, आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि हम सबसे ज्यादा आप रिकी को मिस कर रहे हैं। पता है एक बार को अगर मैं उसके साथ सौतेला बिहेव कर लूँ ना, क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, पर आप क्यों सौतेला बिहेव कर रहे हो उसके साथ? कभी भी अपने आप को रिकी की सौतेली माँ मत कहना। जितना प्यार तुमने दिया है ना रिकी को, कैसे लोग हैं? मैं देखता हूँ जाके। रहने दो, कौन इस तरह दो लोगों के बीच आ जाता है? I'm sure आपके एयरप्लेक्स बाहर थे और आपने उनकी सारी बातें सुनी। अभी तक अपने बेटे ऋत्विक को लेके ऑब्सेस्ड है। ऐसे पागलों की तरह तो सिर्फ एक ही इंसान भागता था। अरे गीता आराम से चलो, कितना तेज दौड़ती हो तूफान एक्सप्रेस के। अरे जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज होती है, आप आगे ना जाओ ना तो कोई और निकल जाएगा। तो बीच में अरे संभाल के, ऐसे कैसे कर सकती तुम? ऐसे ही होता है, लाइन खत्म करने का इंतजार करेंगे ना सब खत्म हो जाएगा। अरे तुम भैया, भैया 2 किलो चीनी दे देना जल्दी से। बहन जी लाइन में आइए। भैया बहुत जल्दी है, सच में बच्चा बहुत बीमार है, प्लीज थोड़ा सा दे। लाइए राशन कार्ड दीजिए। थैंक यू। या तो आती जाती गाड़ी को सलाम करो या फिर खुद की गाड़ी। जिंदगी में दो ही ऑप्शन है। बहुत अजीब होते हैं ऐसे लोग। आई रियली होप कि एक दिन ऐसा आए जब आपका बीता कल आपको बेचैन न कर पाए। मैं सोच रहा था पलक के साथ एक डिनर कैसा रहेगा। नॉट बैड। डैड आपको विक्रांत रही जैसे मिलना है। हमारी तरफ से इस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी हम कर चुके हैं, अब अगर हम बैकआउट करते हैं आई डोंट थिंक इट्स गोना इफेक्ट आवर कंपनीज इमेज और शेयर्स। तुम फिक्र मत करो, मैं विक्रांत से मिलूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू। सो आज फर्स्ट डे। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था, ये जो मेरा प्रमोशन हुआ है, आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने तो पहले ही कहा था जैसे ही कोई पोस्ट वैकेंट होगी आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। सरप्राइज होने की क्या जरूरत है? मैम के लिए कॉफी। जी विक्रांत रहेजा का कैबिन कहाँ होगा? मिस्टर नून वेलकम सर, आप मेरे साथ आइए विक्रांत के ऑफिस की। प्लीज कम।
तो बेसिकली आप हमारे सीनियर साइंटिस्ट को असिस्ट करेंगे, और उसके बाद भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे पेशेंट पर उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो कैन आई? श्योर। एक मिनट पलक जी, मेरे घर पे एक पार्टी, कुछ खास एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो आप भी आ जाओ। पर सर, आई डोंट नो एनीवन, आई हार्डली नो यू। डोंट गेट मी रॉन्ग पलक, आप इसलिए मेरे लिए खास हैं क्योंकि आप मेरे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आए। ओके सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। नहीं, किसी को साथ में मत लाओ। पर सर, रात में पार्टी में अकेले? ऐसे तुम कभी पार्टी में नहीं। सर मैं चाहती हूँ, पर किसी फ्रेंड के साथ या अपने हस्बैंड के साथ। तुम कौन से टाइम में जी रही हो पलक? कुछ कुछ खास लोग आ रहे हैं, ऑफिस टाइप का सीन है, प्लीज कम। मिसेस पलक नून, और शुड आई से मिसेस ऋत्विक नून, प्लीज आप अपने हस्बैंड के बिना मेरी पार्टी में आ जाइए। आपको प्रमोशन मिला हमारे साथ, आई मीन के साथ सेलिब्रेट कर, तो आज रात मेरे घर पे अकेले आना, एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी फन। ऑफ कोर्स आई विल कम विदाउट माय हस्बैंड, आई एम श्योर इट विल बी फन। तेरी बीवी को इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा प्रमोशन इतनी जल्दी कैसे मिला? She's having an affair with her boss. वो इस वक्त अकेले उसके घर गई है अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने अपनी कानों से सुना है, उसने उसे साफ साफ कहा मेरे घर पे पार्टी के लिए आना, अपने पति को मत लेकर आना। बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी कि पार्टी करने गई थी? फिर बॉस के साथ थी ना?